मैं जरा एक्सपर्ट पैनल का बुक करूंगी। और हमारे साथ इस समय खास मेहमानों में शशिकांत जी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब के। मैं उनसे जानना चाहती हूं, सर ये मामला पहली नजर में आपको क्या लग रहा है? क्या ये मामला सिर्फ रेप मर्डर तक सीमित है? यहां पर अटेम्प्ट का मोटिव आपको रेप या मर्डर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही इस मामले में बढ़ती गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जज भी मजबूर हो गए कहने के लिए कि मैंने तो अपने 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। देखिए, चूंकि काफी डिस्कशन इस पे हो रहा है तो मैं बात शुरू करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में भी यह माना गया है कि इस केस में काफी लापरवाही हुई है। सीबीआई ने कहा है कि इसमें जो एविडेंस है उसको खुर्दबूद करने की कोशिश की गई है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है। अगर आप पर से इस केस को देखेंगे तो इसके पहले मैं आपसे कहूँगा, जैसे पहले कोशिश हुई थी कि इस केस को कहा जाए कि सुसाइड है, शायद किसी वहाँ किसी डॉक्टर ने या किसी ने कहने की कोशिश की थी कि सुसाइड है जी। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गूगल कर लें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपको पता लगेगा कि इस तरीके की सो कॉल सुसाइड की कुछ घटनाएँ पिछले वर्षों में भी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस प्रकार से संदेह है तो उन घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए। और ये घटना जैसे अब लेटेस्ट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है कि उसमें हो सकता है कुछ और स्टूडेंट्स या कोई और लोग भी ऐसे इन्वॉल्व हों, उसमें आपने बताया कि कुंडी जो है टूटी हुई है, तो सारा एक मुझे लगता है कि इसको हम कहेंगे गड़बड़ झाला जैसे जो है, इसमें लॉट्स ऑफ पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन वन वे और दी अदर, चाहे किसी ने किसी को केस को दबाने की कोशिश की या किसी ने किसी का कोई परिपेक्ष कोई पर्टिकुलर उसका एस्पेक्ट है उसको दबाने की कोशिश की। ये केस जो है मैं समझता हूँ ऐसे इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, दुखदायी इंसिडेंट, सब में कार्रवाई होनी चाहिए, तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह केस जो है एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि इतना ब्लेटेंटली आ गया है, एक डॉक्टर, एक तो उसको 36 घंटे के लगातार उसकी काम हो रहा है, उसके बाद आराम करने का टाइम नहीं, अगर आराम करने की चेष्टा करती है बच्ची तो उसके साथ इस प्रकार की एक अमानवीय हरकत, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। थैंक यू। ठीक है सर, मैं जरा सा रोहित जी का रुख करूंगी। आप रोहित पांडे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, रोहित जी यहाँ पर जो टीएमसी के नेता कह रहे थे कि साहब ऐसे ही अगर कुछ गड़बड़ पाया होता तो फिर बुला क्यों रही है सीबीआई, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती है सीबीआई, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, क्या इस आधार पर डॉक्टर संदीप घोष को क्लीन चिट दी जा सकती है जो टीएमसी यहां पर बैठकर देने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि रोज सीबीआई घंटों घंटों पूछताछ कर रही है उस डॉक्टर से, बावजूद इसके कि सीबीआई ने तैयारी कर ली है उस डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की। रोहित पांडे जी, बिल्कुल, देखिए अगर सरकार की लापरवाही नहीं होती तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट तब लेती है जब लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट की फटकार देना और दुख व्यक्त करना, चिंता व्यक्त करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। और एक जज साहब ने तो ये भी कहा कि अपने 30 साल के पूरे करियर में जो पुलिस प्रोसीजर है उसको हमने रेप और मर्डर केस में कभी देखा ही नहीं, जो आज ये वेस्ट बंगाल के केस में हो रहा है, कोलकाता के केस में हो रहा है, जो आप देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट होने के बाद उसके जितने लोग वहां पे, वो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने के बाद एक स्टेट का जो रवैया रहा है, रवैया आपने देखा होगा कि कैसे किसी क्राइम सीन पे जाके और उसको टेम्पर करने का पूरा प्रयास किया गया और सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। उस सीबीआई इंक्वायरी के में तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके इस हॉस्पिटल में और भी कितने गलत काम हो रहे हैं, जो आपने पहले कहा कि जांच पे आंच, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी होता था वहां पे, या बहुत सारे ऐसे और भी मामले होंगे। आज पॉलीग्राफ टेस्ट की बात क्यों की जा रही है, आज नार्कोट टेस्ट की बात क्यों की जा रही है, आज इसलिए किया जा रहा है कि कोई लीड नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेस में जब कोई लीड नहीं मिलता है, जब कोई सबूत नहीं मिलता है, या कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, छेड़खानी होती है, तब जाकर के कोई पॉलीग्राफ टेस्ट कराता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट करना, नार्को टेस्ट करना, देखिए ये फंडामेंटल राइट है, किसी का कंसेंट लेना पड़ेगा, कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, नहीं तो नहीं कर सकती, लॉ है, एक उसका अपना राइट है। तो अब ये एक वो पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलेगा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो किस लेवल का होना है, उसको एक क्लू मिलेगा।
क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप देख रहे होंगे कि जो भी अभी आपके पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहे हैं या इसके पहले की जो स्टेटमेंट 161 के स्टेटमेंट हुए होंगे उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि वो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो जब सबके अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आपको आप उस नतीजे में पहुंच कहां पा रहे हैं, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि सरकार ने तो आप सब कुछ खराब कर रखा है। सीबीआई हो या कोई और भी बड़ी एजेंसी, इससे बड़ी एजेंसी कौन सी हो सकती है और वो कहां जाकर के किससे किससे इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, स्टेटमेंट लेगी, हर चीज। ये जो बात आपने कही है ना सर, मुझे लगता है इस पर एक रिएक्शन यहाँ पर बजाज साहब का जरूर हमें लेना चाहिए, क्योंकि बजाज साहब जिस दिलेरी वाले अंदाज से गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती है सीबीआई, हाँ, और उससे पहले भी टीएमसी जिस तरीके का दबाव सीबीआई पर बना रही थी, इतने दिन हो गए अभी तक सीबीआई ने क्या किया है, सीबीआई कहां पर आगे बढ़ी है, जो कोलकाता पुलिस ने किया वही तो अभी तक सीबीआई की भी जांच में निकल कर आ रहा है, देखो हमने ही कर दिया था ये, हमारी कोलकाता पुलिस ने ही कर दिया था ये। सर क्या हुआ, कल सब कुछ जीरो, कल सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस, और कल ये पता चला देश को कि सीबीआई आगे अभी तक इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप लोगों की पुलिस ने पीछे इस केस में कोई कुछ कर ही ना पाए, इंसाफ मिल ही ना पाए, इसके लिए पूरी की पूरी सर लिपा पोती कर मिट्टी डालने का काम किया, सारे सबूत नष्ट हो जाए, इसकी पूरी पूरी एक तरीके से छूट आपकी पुलिस की तरफ से दी गई, जो बातें कल सुप्रीम कोर्ट में भी आई। किसको बचा रहे हैं सर, कौन कौन है और किसको बचा रहा है बजाज साहब? पहली बात तो आपने कहा कि संजय घोष को क्लीन चिट दे रहे हैं, हम कहते ही उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, वो चूंकि जांच के दायरे में है, बिना क्लीन चिट दिए पोस्टिंग दे दी थी, बढ़िया जगह वो भी मिलेगी, वाह, पोस्टिंग दे दी थी बिना क्लीन चिट दिए, वाह, नहीं नहीं वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आज तक पोस्टिंग दे दी आप लोगों ने उसको, फोर्स लीव पर कोर्ट ने भेजा उसको, है ना, आप लोग पोस्टिंग दे रहे थे, बहुत बढ़िया सर, क्लीन चिट नहीं देते आप लोग, सीधे पोस्टिंग देते हैं, है ना, वेरी नाइस सर। आगे पोस्टिंग देना हमारे सरकार का काम है, पोस्टिंग देना सरकार का काम इंसाफ दिलाना नहीं है, सरकार का काम बेटियों की रक्षा करना नहीं है, सरकार का काम आरोपों में घिरे पूर्व प्रिंसिपल को पोस्टिंग देना है, सरकार का काम भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लग रहे हैं उस प्रिंसिपल की शील्ड बनना है, और सरकार का काम अपनी पुलिस को यह ताकीद भी कर देना है ना कि प्रिंसिपल से पूछताछ मत कर लेना, मतलब इतने दिन पुलिस पूछताछ कर रही थी, इतनी जहमत नहीं उठाई आपकी पुलिस ने कि प्रिंसिपल से भी बुलाकर पूछताछ कर ले। बजाज साहब, सरकार ने 24 घंटे के अंदर संजय राय को अरेस्ट किया, आपको मालूम होगा संजय घोष को, संजय राय को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जो मुख्य आरोपी कहा गया था। नहीं नहीं अरेस्ट तो किया सर, लेकिन वो केस जो है वो अदालत में टिके भी तो, कुछ सबूत भी तो हो ना, ताकि अदालत में सबूतों के आधार पर उसे फांसी के फंदे पर भी पहुंचाया जा सके, और क्या वो सिर्फ चेहरा है, सिर्फ मोरा है, असली खिलाड़ी कौन है, वहां तक पहुंचने के तो सारे रास्ते आपकी पुलिस ने खत्म कर दिए ना सर, ये तो कल बात निकल कर आई ना अदालत में, आपने डिमार्केट ही नहीं किया क्राइम सीन को पोस्टमार्टम होने तक, क्यों नहीं किया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जजमेंट नहीं दिया है, तो ऑब्जर्वेशंस ही की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस में ये बातें खुलकर आई हैं, जज साहब ने ये कहा कि 30 साल के करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा, जज साहब ने कहा पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं था, जज साहब ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से अलग था, ये जज साहब ने कहा सर, जो जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं उनका जवाब हमारे जो वकील साहब है वहाँ पे कपिल सिब्बल जी वो देंगे, वकील साहब का काम यही है कि वो तो सर कल बेचारे बेबस नजर आ रहे थे आपके वकील साहब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।